सो वेलकम टू द जेई एडवांस प्रॉब्लम 71। तो यहाँ पर अपन को बोल रखा है फाइंड द लेंथ एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ शॉर्टेस्ट नॉर्मल ऑफ द पैराबोला। ये अपन को पैराबोला दे रखा है, तो अपन को पता है कि नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, जिसकी स्लोप एम ओ ये होती है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के कोऑर्डिनेट ये होता है। अब आपको पता है कि जैसे अपन इसको 80² / 280 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन चेक करें, तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर एक नॉर्मल एक पॉइंट पर अपन ने खींची और वो पैराबोला पर अगेन दूसरे पॉइंट पर कट करती है, तो उसमें टी टू होता है जो माइनस ऑफ टी वन माइनस ऑफ टू बाई टी वन होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहीं से जो नॉर्मल के कोऑर्डिनेट है, तो जैसे मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन लिखूं, तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से तुम देख सकते हो टी इज इक्वल टू माइनस एम ओ। तो अगर मैं सेकेंड कोऑर्डिनेट लिखूं 82² / 280 T2, तो यहाँ पर मैं बोलूँ तो मुझे पता है जो T1 है वो यहाँ से मैं देख सकता हूँ माइनस ऑफ M है, तो जो T2 होगा M प्लस 2 बाय M होने वाला है। तो यहाँ पर 80² से देखेंगे तो दिस, और 280 से देखेंगे तो ये होने वाला है। तो ये अपने पास सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, ये फर्स्ट पॉइंट का और ये सेकंड का। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला जब तुम लगाओगे, तो ये जो लेंथ है उसको मैं एल बोल रहा हूँ, तो जो एल स्क्वायर आएगा 16 टाइम्स ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर का होल क्यूब डिवाइडेड बाय एम की पावर 4 आएगा। और इसमें तुम जब मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाओगे, इसको एम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, और यहाँ से जो एल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू आएगी उसके लिए कंडीशन क्या आएगी अपने पास, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आएगी। और यहाँ पर अगर तुम एम स्क्वायर पुट करोगे तो जो लेंथ आ रही है वो देखते हैं, तो एम स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 2 आई, तो यहाँ पे 4 आएगा। तो यहाँ पे अगर अपन लेंथ देखें तो 108 A², तो यहाँ से देखोगे तो 6√3 A आएगी तुम्हारी लेंथ की वैल्यू। तो लेंथ की वैल्यू इतनी आ गई, तो अपन को लेंथ बतानी थी, तो मिनिमम लेंथ इतनी है, और जो उसकी स्लोप हो जाएगी वहां पे देख सकते हो प्लस माइनस √2 हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन बता सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।